10 साल पहले मुंबई में एक तूफान आया था। आधे बंबई को अपने नक्शे से मिटा दिया था। इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम हैं। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर के टेंशन खत्म। वजन लगभग 900 किलो। क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 क्रोर्स अप्रॉक्स। लेकिन तलवार से कटे हुए लोगों का आज तक कोई भी तूफान नहीं मिटा पाया। अभी कुछ ही दिनों पहले पावर स्टार पवन कल्याण की एक और अपकमिंग मूवी की ग्लिम्स हाल ही में उनके फैंस को देखने को मिली थी, जिसमें पवन कल्याण हर बार की तरह एक काफी अलग किरदार में अपने फैंस को नजर आए थे। आपको बता दें, पवन कल्याण की इस मूवी का टाइटल हंगरी चीता ओजी रहने वाला है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये फिल्म एक गैंगस्टर के ऊपर फिल्म होने वाली है, जिसमें पवन कल्याण एक गैंगस्टर के रोल में हम सभी को नजर आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, और इसीलिए ये फिल्म तमिल फैंस के अलावा भी तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तो और हिंदी फैंस को भी आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें, इस फिल्म को डायरेक्टर सुजीत अपना शानदार डायरेक्शन देने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले भी कई सारी एक से बढ़कर एक दमदार फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वहीं अब डायरेक्टर सुजीत पवन कल्याण के साथ इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। इसी के साथ पवन कल्याण की इस मूवी का बजट भी काफी ज्यादा रहने वाला है, और वो इसीलिए क्योंकि ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होने के साथ साथ एक काफी बड़ी फिल्म भी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का रहने वाला है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा है। इसके अलावा इस मूवी में बॉलीवुड से इमरान हाशमी भी अपना साउथ डेब्यू करते हुए इस मूवी में नजर आएंगे। वहीं इन दोनों ही एक्टर्स के अलावा भी फिल्म में कई और भी एक्टर्स हमें इस एक्शन मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। अब ऐसे में बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो आपको बता दें, इस मूवी को रिलीज होने में तकरीबन अभी 10 महीनों से भी ज्यादा का वक्त है, क्योंकि इस मूवी को मेकर साल 2024 के आखिर तक यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर के महीने तक दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज करने वाले हैं, यानी कि अभी तक इस मूवी की रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है। आपको बता दें, अभी सिर्फ इस मूवी की फर्स्ट ग्लिम्स वीडियो हम सभी को देखने को मिली है, जिसकी वजह से पावर स्टार पवन कल्याण का रुख रिवील हो चुका है, और इसी के साथ फैंस को यह अंदाजा लग गया है कि आखिरकार इस मूवी में पावर स्टार किस लोग के साथ नजर आएंगे। बाकी आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। एक और नई वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मिलते हैं।